हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एनसीईआरटी क्लासेस में। अगर आप इस चैनल में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नॉवल में द स्टोरी ऑफ माय लाइफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग हेलेन केलर का कैरेक्टरिस्टिक स्केच पर लीजिए, वो तो बहुत ईजी है। लाइक पूरे चैप्टर में ही हेलेन केलर के बारे में बात की, आप लोग बना के लिख सकते हैं इसके बारे में। फिर देखिए, फिर जो सेकेंड आता है हम लोग का ऑथर किलर अर्थुअर क्लियर, जो हेलेन केलर का पापा थे उसका कैरेक्टरिस्टिक स्केच पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए, मिस एनी सुलिवियन जो हेलेन केलर का टीचर थे उसका कैरेक्टरिस्टिक स्केच पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर केथ एडम्स किलर जो हेलेन केलर का मम्मी थी उसका कैरेक्टरिस्टिक स्केच पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए, जो डॉक्टर ग्राहम बेल है, डॉक्टर ग्राहम बेल है एलेक्जेंडर को कैसे हेल्प किए थे वो सबका कैरेक्टरिस्टिक स्केच पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए, मिस्टर एनएग्नेस का कैरेक्टर स्केच पढ़ लीजिएगा आप लोग। मिल्डर का कैरेक्टर जो हेलेन केलर का बहन थी उसका कैरेक्टर स्केच पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर मिस्टर गिलमन का कैरेक्टर स्केच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टर गिलमन का ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए चैप्टर वन में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द बिगनिंग ऑफ द लाइफ, द बिगनिंग ऑफ द हेलेन्स लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए, चैप्टर टू में आपका है द की प्लान जो हेलेन केलर ने अपना टीचर्स को ही बंद कर दिया था वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। रूम में जो बंद कर दी थी हेलेन केलर अपने टीचर को वो पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अब चैप्टर थ्री की ओर। चैप्टर थ्री में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द प्लीजन जर्नी टू बाल्टीमोर, जो प्लीजन जर्नी था बाल्टीमोर की तरफ उसका चैप्टर थ्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए, चैप्टर फोर में आपका है द सुलिवियन गिफ्ट टू द सुलिवियन गिफ्ट अ डॉल टू हेलेन, हेलेन को जो सुलिवियन डॉल दी थी उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, फिर आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द मिस्टीरियस ऑफ लैंग्वेज वॉज रिवील टू हेलेन, जो मिस्टीरियस ऑफ लैंग्वेज हेलेन के साथ रिवील हुआ था वो पढ़ लीजिएगा आप लोग, चैप्टर फोर में है। चैप्टर फाइव में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। चैप्टर सिक्स में आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉन्शियस प्रिसेप्शंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जो हेलेन को एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का कॉन्शियस हुआ था उसका पढ़ लीजिएगा। चैप्टर सेवन में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर एट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर एट में हेलेन लॉस्ट हर स्वीट लिटिल सिंगर, जो उसका चिड़िया मार गया था वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए, चैप्टर नाइन में ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर नाइन में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विजिट टू बंकर हिल में विजिट की थी उसका, और हेलेन फर्स्ट वॉयज इन अ स्टीम बोट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, द सिटी ऑफ काइंड हार्ट वाला पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, चैप्टर टेन में आपका द फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ ओशियन, ये हेलेन का फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था ओशियन के साथ वो पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए, चैप्टर इलेवन में शॉर्टकट गोज रॉन्ग, जो शॉर्टकट सिलुबियन गए थी वो अलग रॉन्ग हो गया था, फिर वो पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो ट्रेन आने लगी थी वो वाला था। फिर देखिए, चैप्टर ट्वेल्व में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर थर्टीन में देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस फुलर जो हेलेन को ट्रेन कर रही थी वो वाला पढ़ लीजिएगा आप लोग, और इसका कैरेक्टर स्केच भी पढ़ लीजिएगा। और देखिए, चैप्टर फोर्टीन में एक ही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है मिस्टर एनएग्नेस फील चीटेड एंड हर्ट, मिसेस एग्नेस जो वो पेगुलरिज्म वाला था वो वाला पढ़ लीजिएगा। फिर हेलेन जो फिर पेगुलरिज्म के बाद फिर से राइटिंग अपना स्टोरी लिखना स्टार्ट की थी वो पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए, चैप्टर फिफ्टीन में है हेलेन विजिट द वर्ल्ड फेयर विद डॉक्टर बेल, डॉक्टर ग्राहम बेल के साथ गई थी वर्ल्ड फेयर में, वो वाला पढ़ लीजिएगा। मिस्टर आयरन टीच हेलेन लैटिन, चैप्टर सिक्सटीन में मिस्टर आयरन जो हेलेन को लैटिन सिखाते हैं पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए, चैप्टर सेवनटीन में हेलेन अटेंड्स स्कूल फॉर अ डेफ, फॉर जो डेफ स्कूल में गई थी हेलेन, वो वाला पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए, चैप्टर एटीन में बहुत है
प्रिंसिपल गिलमन, गिलमन का कैरेक्टर स्केच और गिलमन टी हेल्प कैसे किए थे हेलन को, वो अलग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए चैप्टर 19 में हेलन सेकेंड ईयर एट कैम्ब्रिज, हेलन का सेकेंड ईयर था कैम्ब्रिज में, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए हेलन कंटिन्यू हर स्टडी विद मिस्टर केट, मिस्टर केट के साथ हेलन अपने स्टडी कंटिन्यू कर लिए, ये भी पढ़ लीजिएगा आपको, इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 20 में हेलन सेकेंड ईयर एट रेडक्लिफ कॉलेज, हेलन का सेकेंड ईयर जो रेडक्लिफ कॉलेज में था वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए हेलन चैप्टर 21 हेलन रिलेशनशिप विद बुक्स, हेलन के साथ कैसा रिलेशनशिप था बुक के साथ वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए 21 में ही, चैप्टर 21 में ही हेलेंस लव फॉर फ्रेंच एंड जर्मन लिटरेचर कैसे लव करती थी ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए चैप्टर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलेंस फॉन्ड मेमोरीज एट स्टेट रेदना ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए हेलन लव फॉर म्यूजियम्स एंड द थिएटर ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर हेलन फीलिंग ऑफ आइसोलेशन ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, हेलन फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। देखिए चैप्टर 23 हेलन कॉमन अबाउट पीपल इन हैंडशेक्स, क्या कॉमन था हेलन को, ठीक है। अब देखिए हेलन एक्नोलेजमेंट द पीपल हु मेड द डिफरेंस इन लाइफ, वो अपना लाइफ में बताया कि क्या क्या हुआ था ये पढ़ लीजिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु इज नैन्सी, व्हाट डिड हेलन से, आई विल नॉट क्वेश्चन, ये सब देखिए, ये मैं वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग, देखिए इधर भी इधर भी थोड़ा सा, ये देख लीजिए आपका क्वेश्चन आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट है देख लीजिएगा पॉज करके। और जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए होते हैं पिछले ईयर का क्वेश्चन से नॉवल का, डिस्क्राइब द मिस सुलिवियंस टीचिंग मेथड ये आया हुआ था, व्हाट आर हेलेंस ओपिनियंस अबाउट एग्जामिनेशन ये, फिर है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एनी एंड मार्गरेट ये, और गिव ए स्केच विथ एनी फादर एज अ पेरेंट ये। ठीक है आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।